हेलो दोस्तों, आप सभी को निंजा टेक्निक चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ न्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में। देखिए, इसको बोला जाता है न्यूमेटिक सिलेंडर, तो हम लोग आज इसको देखेंगे ये काम कैसे करता है एंड इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। तो वीडियो पे बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एक एल्बो लगा हुआ है, ये एक एल्बो लगा हुआ है। तो सिंपली जब इधर से जब एयर आता है एयर के साथ, तब ये पिस्टन आगे जाता है, और इधर से जब एयर आता है तो ये पिस्टन अंदर जाता है। तो दोस्तों हम लोग पहले चेक करेंगे ये जो सिलेंडर है ठीक है कि ख़राब हो गया। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। तो दोस्तों देखिए, ये पिस्टन जब बाहर रहेगा तो जब ये अंदर पिस्टन जाएगा तो इधर से एयर रिलीज़ करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दबा देंगे। दबा के देखिए, इसको दबा रहा हो तो ये पिस्टन अंदर चला जा रहा है आसानी से, क्योंकि इसके अंदर का जो सील है वो कट चुका है, इसीलिए जो एयर है इधर से लीकेज होकर चला जा रहा है। लेकिन अगर ये सिलेंडर आपका सही रहता तो इधर बंद करके हम इसको कभी अंदर घुसा ही नहीं पाता। तो इसको रिपेयर करने के बाद आप लोगों को दिखा रहा हो इसका जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको खोलना स्टार्ट कर चुका है, तो आप लोग देखिए कैसे खुल रहा है। और दोस्तों हम लोगों का जो आज मिस्त्री भाव है उसका नाम है राहुल महापात्र, देख लीजिए उसको भी थोड़ा, देखिए ए हाय बोल दो। तो दोस्तों पहले जो एल्बो है हम लोगों का उसको खोल लेंगे, क्योंकि सिलेंडर जब खोलने के लिए जाएंगे तो वो टूट सकता है, तो उसको पहले खोलना है, सबसे पहले उसी को खोलना है। देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, ये देखिए ये टूट गया, आप लोगों को दिख रहा है। देखिए ये जो प्लास्टिक के अंदर में देखिए दोस्तों ये पूरा टूट गया, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग इसको पूरा चेंज कर देंगे। देखिए ये पूरा टूट गया है। तो दोस्तों देखिए, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर में देखिए बिल्कुल कुछ नहीं रहता है, सिंपल सा एक पाइप टाइप सा पीवीसी पाइप टाइप का है, लेकिन ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, देख सकते हैं। इसी के अंदर में जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो अप डाउन होता है। और दोस्तों देखिए, ये हम लोगों का जो पिस्टन है इसका सिस्टम दोस्तों सिंपल सा है। आप लोग जो
होली में जो खिचकारी देखते हैं उसी टाइप का है, बस थोड़ा इधर उधर है, बाकी वही फॉर्मूला में ये वर्क करता है। देखिए एक हो गया प्लास्टिक वाला किट और इसको हम लोग खोल लेंगे। भाई मिस्त्री भाई खोलो इसको। तो दोस्तों आप लोग एक जुगाड़ भी लगा सकते हैं इस जगह पे। अगर मान लीजिए ये जो किट है आप लोगों के पास नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो ये इधर जो ऑप्शन है इसमें आप लोग धागा लपेट के थोड़ा इसको मेजरमेंट करके धागा लपेट के मोटा करके इसके बाद ये पुराना वाला जो किट है इसको भी चला देंगे तो आपका जो काम है निकल जाएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन किट जो है चेंज करने से ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसका जो किट है उसको लगाने से पहले हेड सील टेप हम लोग थोड़ा सा लगा ले रहा है क्योंकि तब बहुत ही अच्छा होगा, हेड सील टेप लगा के उसका किट जो है चलाने से अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए। दोस्तों हम लोगों का जो चैनल है वो मैकेनिकल पार्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आगे और भी मज़ेदार वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों का जो सिलेंडर है वो रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये दो पॉइंट है यार आने का और जाने का, जो भी बोलिए। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, पिस्टन को निकालो, इधर उंगली रख के फिर पिस्टन को दबाएंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल पिस्टन नहीं दब रहा है, इसका मतलब हम लोगों का जो सिलेंडर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए मैं उंगली हटाऊंगा इतना जल्दी, इतना मैं उंगली हटाऊंगा किस तरीके से पिस्टन अंदर चला जाएगा। देखिए बंद कर दूंगा रुक जाएगा, हटा दूंगा देखिए घुस जाएगा, देखिए फिर बंद कर दिया वो खींच के भी नहीं निकाल पाएगा। फिर देखिए मैं इसको हटा दूंगा, अभी देखिए आसानी से वो निकाल देगा।
देखिए दबाओ, देखिए। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का जो सिलेंडर है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों हम लोग इसको अभी हम लोगों का जो प्लांट है उसमें फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।